कल्कि 2898 AD। भाई इस मूवी में कर्ण की जरा सी सच्चाई क्या बता दी गई, अर्जुन भक्तों के खेमे में तो जैसे तबाही ही मच गई। लिटरली बर्नौल के सारे स्टॉक्स खाली हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी जलन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और मजे की बात तो ये है कि जिन लोगों ने कभी महाभारत का एम भी नहीं पढ़ा, वो भी अब हमें महाभारत पर ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा था ऐसा नहीं था। हद है यार, मतलब अब इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या? वैसे तो काफी सारे नए लोग इस पर वीडियोस बना रहे हैं, पर हम यहाँ जिसकी बात करने वाले हैं, वैसे तो उसके चैनल के नेम में भारत वंशी है, पर इसने भारत के स्टेट्स को भी नहीं छोड़ा यार। खैर, हम यहाँ बात करने वाले हैं उस बंदे के द्वारा किए हुए 2 कौड़ी के क्लेम्स की, जिसे इसने बिना पूरा पढ़े बिना रिसर्च किए बस चेरी पिकिंग के द्वारा चिपका दिया। और सच कहूँ तो इसके 90% क्लेम्स ऐसे थे जिसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी काउंटर कर चुका हूँ। जैसे में इसने कहा था कि भगोड़ा भीम, जी हाँ भगोड़े भीम ने कर्ण को हराया। सीरियसली, अरे एक सिंगल डिफीट प्रूव करके दिखा दे। इसके इस सड़े हुए क्लेम को मैंने अपनी इस वीडियो में महीनों पहले काउंटर किया हुआ है। इसने कहा कि भगोड़ा अभिमन्यु कर्ण को टक्कर दे सकता है, उस पर भी मैं ये वीडियो बना चुका हूँ। आगे इसने सात्यकी का नाम लिया, तो मैंने सात्यकी को भी एक्सपोज कर रखा है। और कर्ण अर्जुन की जितनी बातें हैं ऑलमोस्ट उन सभी को मैंने अपनी कई वीडियोस में काउंटर किया है। और भाई अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो इसके साथ मेरी इन वीडियोस को भी जरूर देख लेना, तेरे 90% क्लेम्स इसी में एक्सपोज्ड हैं। भीष्म का कर्ण की इंसल्ट करना, इसका जवाब भी मैंने इस वीडियो में दिया है। तो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार इस प्लेलिस्ट की वीडियोस पर जरूर नजर डाल लेना, क्योंकि बार बार ऐसे 2 कौड़ी के क्लेम्स को मैं एक्सपोज नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो चलो यार शुरू करते हैं, क्योंकि इसने अपनी वीडियोस में कर्ण पर अपनी ही छोटी सोच की तरह बहुत ही छोटे इल्जाम लगाए। और चूंकि हम इसके मैक्सिमम क्लेम्स का डिस्ट्रक्शन पहले ही कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम इसके उन्हीं क्लेम्स को देखेंगे जिनके बारे में बात करना बाकी रह गया था। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं। अख विश्वास, तू है शिव का दास। इसके सड़े हुए क्लेम्स में से एक क्लेम ये करता है कि कर्ण तो भैया द्रौपदी स्वयंवर में प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा पाया था, और प्रूफ के नाम पर बस एक स्टेटमेंट चिपकाता है। उसकी बात तो हम करेंगे, पहले ये सुन लो कि इस बंदे ने बातें तो वेद व्यास महाभारत की थी, लेकिन प्रूफ चिपकाए गीता प्रेस से। यानी इस बच्चे को इतना भी नहीं पता है कि वेद व्यास महाभारत तो कब की विलुप्त हो चुकी है। और ये जिस गीता प्रेस को दिखाते हुए कह रहा था कि वेद व्यास महाभारत है, वो वेद व्यास नहीं बल्कि वैशंपायन महाभारत है। अब इन अर्जुन भक्तों को इतना तक नहीं पता और चले हैं हमसे महाभारत पर ज्ञान देने, वाह। खैर, तो ये अपनी बात रखते हुए कहता है कि कर्ण तो प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा पाया, वो वहाँ पर टाइम पास कर रहा था, इसलिए द्रौपदी ने उसको मना कर दिया था। तो चलिए अब इस नारियल के पेड़ का नारियल तोड़ते हैं। तो इसी के गीता प्रेस के आदि पर्व में साफ साफ लिखा है कि जब सभी राजा स्वयंवर में प्रत्यंचा ना चढ़ा पाने के कारण निराश होकर बैठ जाते हैं, तब उन सबको निराश देखकर कर्ण ही एकमात्र ऐसा पराक्रमी था जो सबसे अंत में वहाँ उठता है और धनुष को एक झटके में उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देता है। वो तो इवन उस पर 5 बाणों का भी संधान कर देता है, और उसे देखते ही सभी पांडवों की फट भी जाती है, जैसे कि इसकी फट गई थी। खैर, पांडव तो सोच ही लिया था कि भैया अब तो द्रौपदी उनके हाथ से गई, कर्ण उनको ले गया। लेकिन जैसे ही कर्ण लक्ष्य भेद करने वाला था, तभी द्रौपदी अचानक से उठती है और कहती है कि वो एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करेगी। तब कर्ण एक जेंटलमैन की तरह मुस्कुराते हुए सूरज की तरफ देखा और उस धनुष को रख कर उसके निर्णय का सम्मान किया। हाँ, उसे बुरा तो जरूर लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। तो ये हुआ था गीता प्रेस के अनुसार। और यहाँ पर मुझे कोई बताए कि कर्ण ने कहाँ टाइम पास किया। इवन मैं इसी से पूछता हूँ कि बता दे भाई कहाँ टाइम पास किया है उसने। अपने मन की बातें नहीं चलती, शास्त्र क्या कहते हैं वो मानना पड़ता है, समझा। और दूसरी बात, ये मेन इंसिडेंट है, जबकि इसने जो एक स्टेटमेंट चिपकाया था जिसमें कर्ण और शल्य जैसे राजाओं के फेल होने की बात की गई है, वो एक क्रॉस रेफरेंस है जो कि मेन इंसिडेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। और अगर कोई क्रॉस रेफरेंस मेन इंसिडेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करे तो उसे फेक समझा जाता है। यानी उस स्टेटमेंट में कर्ण का नाम फेक है। और हाँ, उस बंदे ने कहा था कि वो स्टेटमेंट दुर्योधन का था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो स्टेटमेंट वहाँ पे खड़े ब्राह्मणों का था जिन्होंने शल्य के साथ साथ कर्ण का भी नाम ले लिया, जिसे द्रौपदी ने रिजेक्ट किया था। पर इसे ये बातें कहाँ से पता होंगी यार, कभी महाभारत पढ़ी होगी तब तो। और एक बात, द्रौपदी ने उसे रिजेक्ट किया, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही कोई उस पर कुछ बोलता है, अंटिल कि जब तक तुम लोग अपना भिंडी रोना शुरू नहीं कर देते कि कर्ण तो प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया, वो हार गया था।
तब तो भैया हम बोलेंगे ही कि कर्ण हारा नहीं था, उसको रिजेक्ट किया गया था, जो कि सच भी है। तो तुम लोग अपने अंदर की जलन को शांत रखो, हम भी ये पॉइंट नहीं उठाएंगे क्यों। और अगर इसको द्रौपदी की मर्जी भी समझे तो मुझे ये बताए कि जब द्रौपदी को अचानक से उन पांचों ने आपस में बांटने का फैसला कर लिया था, तब क्या किसी ने द्रौपदी की मर्जी पूछी थी? पूछा किसी ने कि वो इन पांचों से विवाह करना चाहती भी है या नहीं? किसी ने नहीं पूछा था यार। और ऐसे लोग द्रौपदी के डिसीजन की बात कर रहे हैं, गजब का दोगलापन है इनका। एक और इम्पोर्टेंट बात, पांडवों ने उसको इसलिए नहीं बांटा था कि कुंती ने कह दिया था बिना देखे, जैसा कि कुछ टीवी सीरियल्स वाले और इसके जैसे कुछ अंधभक्त बताते हैं, क्योंकि ये एक अधूरा सच है। पूरा सच क्या है वो मैं बताता हूँ। सच ये है कि इन पांचों के अंदर द्रौपदी को पहली बार में देखते ही लस्ट आ गया था। जब इन लोगों ने उसे पहली बार देखा था तभी ये लोग उस पर मोहित हो गए थे, और कुंती के उस स्टेटमेंट ने बस आग में घी डालने का काम किया। क्योंकि कुंती ने जैसे ही ये कहा तब उन पांचों पांडवों ने द्रौपदी की तरफ देखा, तभी युधिष्ठिर ने नोटिस किया कि उस पे सभी अट्रैक्ट हो गए हैं, और उन्हें डर था कि कहीं इसकी वजह से भाइयों में दरार ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने उसको बांटने का फैसला कर लिया। तो यही है सच्चाई। मतलब ये लोग इतने नीच गिर गए थे कि अपनी ही भाभी के लिए ऐसा फील करते थे। अब ऐसे लोग दूसरों से क्या उम्मीद रख सकते हैं? और ऐसे लोगों के लिए ये बंदा कर्ण पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। तो ये लोग जो कहते हैं ना कि कर्ण फेल हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, तो इन्हीं के गीता प्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ये तो गीता प्रेस की बात है, क्रिटिकल एडिशन में तो कर्ण ने स्वयंवर में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि उनके रूल्स ही कर्ण के लिए नहीं थे। उसकी भी बात हम करेंगे, वीडियो में आगे बने रहिए। अब ये बंदा इतना गिर गया था कि कर्ण के सूत होने के बाद भी कहता था कि कर्ण के साथ तो कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं, क्योंकि सूत तो भैया बहुत ही ऊंचे लोग होते थे। क्यों? क्योंकि उनके माता ब्राह्मण और पिता क्षत्रिय हुआ करते थे। अच्छा, तो पहले तो कोई इसको ये बताए कि माता ब्राह्मण और पिता क्षत्रिय होने से क्या हो गया, इससे साबित क्या हुआ बता दे यार। बस भौंकने से कुछ नहीं होता, प्रूफ करना पड़ता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय का मिक्सचर होकर क्या सूतों को ब्राह्मणों का अधिकार मिल गया या फिर क्षत्रियों का मिल गया? नहीं मिले। अरे बेवकूफ, माता या पिता के वर्ण से उनपे कोई फर्क नहीं पड़ा था। और मनुस्मृति के अनुसार सूतों को सिर्फ रथ हाँकना, चिकित्सकीय कार्य में हाथ बटाना, स्त्रियों की सेवा करना, सड़क इत्यादि बनाना और रोजगार करना, यही काम होते थे सूतों के। तो मिस्टर आशीष भारतवंशी जी, क्या ये बताने का कष्ट करेंगे कि इन कार्यों को करने वाले सूत आखिर कितने ऊंचे लोग होते होंगे यार। जिस शल्य को ये बंदा अपनी वीडियो में बिचारा बना रहा था ना, वही शल्य कहता है कि भैया सूत जो होते हैं ना वो तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के नौकर होते हैं, इसलिए वो कर्ण का सारथी नहीं बन सकता। तो देख लो भाई कितने सम्मानजनक वर्ण के होते थे सूत लोग। देखो यार उनका यश तो देखो। शल्य वैसे तो एक उत्तम सारथी था, बट उसे कर्ण का सारथी बनने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो एक सूत पुत्र था। इसके अलावा भीम ने भी जब रंग भूमि में समस्त सूत जाति को कुत्ते से कंपेयर किया था, तभी हमें सूतों की पोजीशन के बारे में भी समझ आ जाता है कि वो लोग कितने ऊंचे होते थे। और ये बंदा अपनी वीडियो में इतना चिढ़ा हुआ था कि कह रहा था कि कर्ण तो भाई वहाँ गाली गलौज कर रहा था, इसलिए भीम ने उसको गाली दी। अच्छा, जरा दिखाए मुझे कि कर्ण ने कब वहाँ पर किसको गाली दी, दिखा दे यार प्रूफ। जो मन में आएगा हक देगा क्या मुँह से? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। कर्ण तो बस वहाँ परफॉर्म करने गया था, लेकिन इन लोगों को चुल मची हुई थी, तभी तो भीम ने ऐसा कहा, क्योंकि इनकी मानसिकता ही ऐसी थी। हालांकि कर्ण ने इसका बदला कुरुक्षेत्र में ले लिया। जिस भीम ने कर्ण और सूतों को कुत्ते से कंपेयर किया था, उसी भीम को कर्ण ने कुरुक्षेत्र में कुत्ता बनाकर मारा था। कुत्ता बनाकर, वो भी एक दो बार नहीं, पूरे 11 बार। और ये बंदा अपनी वीडियो में कह रहा था कि भीम कर्ण को बहुत मार रहा था। तो भाई ऐसे सतरंगी पिल्लों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो अगली बार ये भौंकने से पहले मेरी ये वीडियो जरूर देख लेना अगर ये वीडियो देख रहा है तो। तेरे भीम को अच्छे से एक्सपोज करा इसमें, एक एक बैटल को एनालाइज करके। ऊपर से कर्ण को ये लोग रंग भूमि में इसीलिए नहीं आने दे रहे थे क्योंकि वो एक सूत था। कर्म से क्षत्रिय होने के बाद भी उसे सब लो बॉर्न ही समझते थे। तो ये और इसके जैसे लोग ये किस बेसिस पे कहते हैं कि कर्ण बड़ा ही उच्च कुल में पला बड़ा इंसान था? कोई सेंसेंस बात?
और यही चीज द्रौपदी स्वयंवर के टाइम पर भी थी। धृष्टद्युम्न वहाँ पर खड़ा होकर कहता है कि उच्च कुल में जन्मा जो भी व्यक्ति लक्ष्य भेद करेगा द्रौपदी उसी को मिलेगी। जिसके बाद वो वहाँ मौजूद सभी राजाओं से नाम गोत्र इत्यादि पूछता है। तो भाई उसने तो कर्ण का भी पूछा होगा ना, और वहाँ पर तो कर्ण को सभी लो बॉर्न ही समझते थे। तो वो जब स्वयंवर के रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहा था तो कर्ण को पार्टिसिपेट कैसे करने दिया गया। यही तो कारण है जिसकी वजह से बोरी क्रिटिकल एडिशन में कर्ण ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और गीता प्रेस में तो उसको रिजेक्ट ही कर दिया गया द्रौपदी के द्वारा। वैसे आगे चलकर कर्ण ने भी इस द्रौपदी को रिजेक्ट कर दिया था जैसे कि वो कुछ हो ही ना। तो बात यहाँ पर इतनी सी है कि सूत होने के कारण उसने स्वयंवर में पार्टिसिपेट नहीं किया। और प्रॉब्लम कर्ण को सूत पुत्र बोलने से नहीं है, दुर्योधन कर्ण को सम्मान के साथ बोलता था। वो इन लोगों की तरह उसे नीची जाति की तरह नहीं देखता था और ना ही उसे उस तरह से ट्रीट करता था जिससे उसे कोई प्रॉब्लम होगी। तो उसे दुर्योधन प्यार से बुलाता था, ना कि पांडवों की तरह उसे कुत्ते से कंपेयर करता था या फिर उसे भीष्म पितामह की तरह लो बॉर्न बोलता था या फिर उसे पार्टिसिपेट नहीं करने देता था। और ये तो महाभारत की बात है, मनुस्मृति में तो साफ साफ कहा गया है कि सूत नीची जाति के होते थे। तो ये लोग जो अपने चमड़े का मुंह चीर चीर कर बोलते हैं ना कि सूत कोई नीची जाति नहीं होती थी, ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता की संतान होती थी, तो बेटा उससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनके ऊंची या नीच होने पर, इनको नीच ही समझा जाता था। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और हाँ, भीष्म और द्रोण को हक भी था क्या कि कर्ण को अंगराज बनाने से रोका जाए दुर्योधन को, जो वो मना कर देते? इसीलिए कहता हूँ कि किताबें पढ़ा करो कोरा और फेसबुक यूनिवर्सिटी के आर्टिकल्स नहीं, समझे? वरना ऐसे ही चलो छोड़ो। तो ये हुआ इसके एक और दो कौड़ी के क्लेम का राम नाम सत्य। और चूंकि हमने इसके 90% क्लेम्स ऑलरेडी इस चैनल पर एक्सपोज कर रखे हैं, तो आप लोग चाहो तो उन वीडियोस को भी देख सकते हो। अब ये नारियल का पेड़ एक बात बहुत बोल रहा था कि कर्ण की वाणी इतनी खराब थी कि ऐसे बंदे को तो कोई देखना भी ना चाहे। वो गालियां भी देता था, और इसने यहाँ पर पता है क्या दिखाया? वही द्यूत सभा वाला रेफरेंस यार, और क्या, मतलब वही पुराने सड़े गले क्लेम्स कि कर्ण ने तो उसको वैश्या बोला, वस्त्र हरण का ऑर्डर दिया, शब्द कहे, ब्ला ब्ला ब्ला। अरे यार, कभी महाभारत पढ़े भी हो? बहुत साल पहले पढ़ने की बात करने वाले इस बंदे ने इतने सालों बाद भी महाभारत का एक पेज तक नहीं पढ़ा ढंग से। अरे नहीं पढ़ा यार, इसके क्लेम्स को सुनकर मैं ये कह सकता हूँ। वेल, तो चलिए इसकी सच्चाई भी बता देता हूँ आपको। तो पहली बात तो ये कि श्री कृष्ण के अनुसार कर्ण ट्रूथफुल इन स्पीच था। हिंदी में बोलूँ तो वो सत्यवादी था, यानी वो हमेशा सच बोलता था, और सच तो कड़वा होता ही है, जो कि पांडवों और द्रौपदी को लगा। और यही कड़वी सच्चाई इस चमचे को भी हजम नहीं हो रही। अब ये मत कहना कि कर्ण अगर सत्यवादी था तो परशुराम से झूठ क्यों बोला, क्योंकि इसको मैंने अपनी इस वीडियो में काउंटर कर रखा है, तो देख लेना। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई पता नहीं इस आशीष भारतवंशी को श्लोक सामने रख कर भी समझने में इतनी दिक्कत क्यों होती है, या फिर ये इतना बड़ा सतरंगी है कि खुद के ही दिखाए हुए रेफरेंस को ध्यान से नहीं पढ़ता। हम यहाँ पर वो सब नहीं कहेंगे कि कर्ण ने यहाँ पर द्रौपदी को बचाने की कोशिश की या फिर कुछ और कहा, क्योंकि वो भाई हमारे प्रदीप भाई पहले ही बता चुके हैं। हम यहाँ पर इसी के रेफरेंस से इसी को नंगा करेंगे। तो इसने जिस रेफरेंस को दिखाकर ये क्लेम किया था कि कर्ण ने द्रौपदी को वैश्या कहा, उसी रेफरेंस में कर्ण ने एग्जैक्टली कहा था कि देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है और इसके अनेक है, इसलिए ये एक वैश्या है। तो ये कहा था कर्ण ने। इसके अलावे भी कर्ण ने कुछ और बातें बोली थी, उसकी भी बात हम करेंगे, पर पहले इसे देखते हैं। तो कर्ण ने वहाँ जो कुछ कहा वो कर्ण की वाणी नहीं थी बल्कि देवताओं की वाणी थी, क्योंकि ये चीज उन्होंने डिसाइड की थी। माता कुंती ने भी कहा था कि अगर वो 5 पुरुषों से संबंध रखेंगी तो वो भी वैश्या कहलाएंगी, और देवी भागवतम में भी यमराज कहते हैं कि 5 या 6 पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री को वैश्या ही कहते हैं। तो जो बात कुंती ने भी कही, जो बात यमराज ने भी कही, वो सबके लिए सही है। लेकिन यही बात जब कर्ण ने कह दी तो इस बंदे के पीछे आग लग गई कि भाई कैसे बोला इसने, मतलब गजब का दोगला है यार ये बंदा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो जो चीज इन लोगों को बुरी लग रही है वो कर्ण के नहीं बल्कि देवताओं के रूल्स थे। इसीलिए कहता हूँ कि किताबें पढ़ोगे तो ज्ञान मिलेगा। तो कर्ण ने वहाँ कुछ गलत नहीं कहा, शास्त्रों में ऐसी स्त्री को वैश्या ही कहते हैं। तो कर्ण ने वहाँ जो कुछ भी पांडवों को दासत्व से रिलेटेड कहा कि दास पुत्र और पत्नी के पास कुछ भी नहीं होता उनका अपना, सब कुछ उनके स्वामी का होता है, यानी सब कुछ कौरवों का हुआ, तो इसमें भी क्या गलत कहा कर्ण ने? मनुस्मृति में ये भी साफ साफ लिखा है कि पत्नी
पत्नी पुत्र और दास के पास उनका अपना कुछ नहीं होता, वो जो कुछ भी कमाते हैं सभी पे उनके स्वामी का हक होता है, ये मनुस्मृति का कथन है। और चूंकि पांडव और द्रौपदी उस समय दास बन चुके थे तो उनकी सारी चीजें कौरवों की हो चुकी थी जो कि उनके स्वामी थे उस समय, तो कर्ण ने वहाँ जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार कहा। तो इस बंदे ने जो अपनी फ्रस्ट्रेशन में जरा सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताया है, बात दरअसल उससे कहीं ज्यादा डीप है, पर ये बात इसकी समझ में नहीं आने वाली। और ये लोग जो कहते हैं ना कि कर्ण ने तो वस्त्र हरण का आइडिया दिया था इसीलिए वो नीच था, कुछ भी तो मैं बता दूं कि उसने सिर्फ द्रौपदी नहीं बल्कि पांचों पांडवों के वस्त्र हटाने को भी बोला था, क्योंकि इसका कारण भी वही था जो मैंने अभी पहले बताया। वो लोग दास बन चुके थे और उस समय दासों को अपर गारमेंट्स पहनने का अधिकार नहीं होता था क्योंकि वो नोबिलिटी का प्रतीक था। और यही कारण था कि जब द्रौपदी और पांडव वनवास के बाद विराट नगर में गए थे तो वहाँ भी उन्होंने अपर गारमेंट्स नहीं पहने थे, नॉट इवन द्रौपदी यार, उसने भी वहाँ पर अपर गारमेंट्स नहीं पहन रखे थे। और वहाँ पर तो उसके लुक्स को लेकर विराट की पत्नी ऐसी ऐसी बातें कह रही थी कि अब क्या ही कहें हम। तो यहाँ पर मेरे ये बताने का मतलब ये है कि पांडव और द्रौपदी उस समय दास बन चुके थे और उन्हें कोई नहीं था अपर गारमेंट्स पहनने का, इसीलिए कर्ण ने उनके अपर गारमेंट्स को हटाने के लिए कहा। खैर ये तो हो गई वस्त्र हरण की बात, कि उसकी रियलिटी क्या थी, अब जरा उसकी ऑथेंटिसिटी को भी तो देख लें। तो ये नारियल का पेड़ जो कह रहा था ना कि कर्ण को सिंपथी दी जाती है, उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, विक्टिम कार्ड खेला जाता है, तो इसको मैं बता दूं कि असली सिंपथी किसको मिली है। तो बोरी कैनाल्स और रिसर्चर्स ने इस बात को क्लियर किया है कि द्रौपदी वस्त्र हरण कभी हुआ ही नहीं था, उसको बस इसलिए जोड़ा गया ताकि पांडवों को थोड़ी सी सिंपथी मिल सके। जी हाँ, उनको सिंपथी दिलवाने के लिए ही इसको महाभारत में ऐड किया गया, यानी द्रौपदी वस्त्र हरण कभी इतिहास का हिस्सा था ही नहीं। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, फिलहाल के लिए ये काफी है। और हाँ, इस चीज को विवेक देबरॉय जी ने भी अच्छे से प्रूव किया है लॉजिकली। Then when we look at the Mahabharata, let's not forget that it was written thousands of years ago. And therefore, let us not use today's value judgments and today's norms and today's lens to judge what was right and what was wrong. So the substantive point, well, let me give two quick examples of that. One is, all of us are familiar with this incident of Draupadi being dragged to the assembly hall and being disowned. Two quick things about that incident. It's been depicted any number of times in films, calendar, Raja Ravi Varma, you name it. What is Draupadi clad in? She's clad in a sari. For God's sake, did women in that day and age wear saris? No, they did not. Men and women, regardless, wore two pieces of garment. One below the waist, one above the waist. Except that people who were servants were not entitled to wear that upper garment. Before this Draupadi incident happens, the five male Pandavas, having lost their independence, had already surrendered their upper garments. और यही कारण था कि जब लास्ट बैटल में श्री कृष्ण कर्ण को द्यूत सभा का हवाला देते हुए दोषी ठहराते हैं तब उन्होंने एक बार भी वस्त्र हरण का जिक्र नहीं किया। और भी काफी सारे पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग, बट वो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, यहाँ पर नहीं, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार, एक तो ऐसे ही इतनी लंबी हो चुकी है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कर्ण ने वहाँ जो कुछ भी कहा वो शास्त्रों के अनुसार कहा, और मुझे पता है कि ये फिर से अपना भिंडी रोना रोएगा। तो मैं एक और चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तो जब कर्ण द्रौपदी और पांडवों को खरी खोटी वहाँ पर सुना रहा था तब भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे लोग भी वहीं पर थे, जिनका ये बंदा कई बार हवाला भी दे रहा था अपनी वीडियो में, वो लोग भी वहाँ पर चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे, किसी ने भी कर्ण की बातों का विरोध नहीं किया। और ऐसे तो उनकी जवान बड़ी चपड़ चपड़ चलती थी, मगर यहाँ पर उनको कौन सा सांप सूंघ गया था यार। अब उनके चुप रहने के यहाँ पर दो रीजंस हो सकते हैं, पहला ये कि कर्ण बिल्कुल सही कह रहा था शास्त्रों के अनुसार, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि वो लोग कर्ण से डरते थे कि अगर वहाँ पर उन्होंने कुछ बोला तो कर्ण उनकी जबान काट देगा, क्योंकि वो तो बदतमीज था। अरे इन लोगों के अकॉर्डिंग, बाकी वो कितना बदतमीज था वो मैंने इस वीडियो में बता रखा है। वेल, तो ये तो फिर भी भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य थे, पर भीम जो कि कर्ण और उसके सूत होने के साथ साथ अर्जुन से कहीं बेहतर होने पर उस पर हमेशा चिढ़ा हुआ रहता था, वो खुद कहता है कि वो कर्ण की बातों से बिल्कुल भी आहत नहीं है क्योंकि उसने जो कुछ भी कहा वो उसका हक था, क्योंकि दास धर्म वही है जो कर्ण ने बताया। तो जब द्रौपदी को सबसे ज्यादा चाहने वाले पति भीम को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो तुम कौन होते हो बे बोलने वाले। तो ये है उस द्वित सभा की पूरी सच्चाई जो ये बंदा कभी नहीं बताएगा। अरे नहीं बताएगा यार, मैं कह रहा हूँ ना, इसकी औकात नहीं है बताने की। जो बंदा रेफरेंसेस को काट काट कर चेरी पिकिंग करके दिखा सकता है वो बंदा इसको कहाँ से दिखाएगा, फट नहीं जाएगी इसकी। और हाँ, अगर द्रौपदी का कर्ण को सूत पुत्र बोल के रिजेक्ट करना उसका अधिकार था तो कर्ण ने भी वहाँ
कहा जो कुछ भी बोला वो कर्ण का अधिकार था। अब इस बात से इस नारियल के पेड़ में तो आग तो लग जाएगी, तो मैं तो इसमें खैर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बर्नौल भी इसमें काम नहीं आने वाला, क्योंकि सच तो यही है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ जो कुछ हुआ सब सही हुआ, अगर इंसानियत के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा होना बिल्कुल भी सही नहीं था, पर हम यहाँ कर्ण की बात कर रहे हैं। उसने जो कुछ कहा वो सब शास्त्र सम्मत बातें थी, और ऐसा भी नहीं है कि कर्ण ने वहाँ जो कुछ भी कहा या फिर किया वो सारी बातें सही थी। जब द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था तब वो वहाँ पर हंस रहा था, ये बिल्कुल भी सही नहीं था, जिसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और ना ही मैं इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश भी करूंगा। पर इस एक चीज के अलावा वहाँ पर कर्ण ने कुछ गलत नहीं किया, और इस एक चीज का कारण भी युधिष्ठिर बताते हैं कि कर्ण ने वहाँ जो कुछ भी कहा वो सब धृतराष्ट्र पुत्रों की खुशी के लिए किया, लेकिन फिर भी किसी की खुशी के लिए भी किया हो पर ये सही नहीं था। तो ये तो हो गए द्यूत सभा की बात। अब कर्ण ने शल्य के सामने मद्र देश के लोगों और उनकी स्त्रियों के बारे में जो कुछ भी कहा उसे सुनकर इस नारियल के पेड़ के अंदर खुजली होने लगी कि कैसे बोल दिया, इवन नकुल सहदेव की माता भी वहीं की थी तो कैसे बोल दिया उसने ऐसा। तो सबसे पहली बात तो ये कि उसके रिगार्डिंग इसने जो श्लोक दिखाकर अपनी ऑडियंस को मूर्ख बनाया है ना, ये भगोड़ा उसके ठीक पहले का एक श्लोक नहीं दिखा पाया, वरना ये वहीं के वहीं नंगा हो जाता। तो उस एक श्लोक में कर्ण कहता है कि स्त्रियां बच्चे बूढ़े सभी तेरे यानी शल्य के मद्र देश के बारे में जो बातें बोलते हैं और जो ब्राह्मणों ने जैसा लिखा है उन सभी की बातों को आज तू मुझसे सुन, और सुनकर या तो उसका जवाब दे या फिर चुपचाप रहे। उसके बाद कर्ण ये सब कुछ कहता, यानी कर्ण ने कुछ भी अपने मन से नहीं कहा, उसने जो भी कहा वो सब बातें लोगों के बीच होती थी मद्र देश के लोगों को लेकर, और शल्य भी इन सब का जवाब नहीं दे पाया, यानी कि सच में उसके राज्य के लोग ऐसे थे। तो ये है उस मद्र देश के लोगों की सच्चाई बताने वाले स्टेटमेंट की सच्चाई। पर इस जैसे दोगले लोग कभी आपको ये सब नहीं दिखाएंगे, वरना खुद की ऑडियंस के सामने इनकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी। और दूसरी बात, बीस सतरंगी को कौन बताया कि कर्ण ने दिग्विजय में पूरे विश्व को जीत लिया था, यानी वो हर राज्य और हर देश में जा चुका था, वहाँ के लोगों को देख चुका था, यानी उसने ये सब देख रखा था। ऊपर से उसने जिसके सामने ये सब बातें बोली थी वो कोई सड़क चलता हुआ भिखारी नहीं था जिसको कुछ भी बोल दो, वो उस राज्य का राजा था जहाँ के लोगों के बारे में कर्ण ऐसी बातें बोल रहा था। अब अगर राजा के सामने उसी के राज्य के लोगों और स्त्रियों के बारे में कोई इतना सब कुछ बोल रहा है और वो राजा उसे चुपचाप सुन रहा है, तब भाई उस बात में सच्चाई है, तभी तो सुन रहा है ना। वरना कर्ण जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहा था अगर वो बातें झूठ होती तो शल्य चुपचाप तो नहीं रहता। वैसे कॉन्फिडेंस से एक और चीज याद आई, ये वही शल्य है जिसके साथ मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर ने षड्यंत्र रचा था कर्ण के खिलाफ, कि जब वो कर्ण का सारथी बने तब वो कर्ण को डिमोटिवेट करने के लिए उसे भला बुरा कहता रहे जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाए, और यही चीज शल्य कर भी रहा था। वो कर्ण को बिना मतलब के बुरा भला कहता जा रहा था, लेकिन जब उसी का जवाब कर्ण ने उसी के अंदाज में कायदे से दिया तो ये देखकर इस बंदे के पिछवाड़े में आग लग गई, इस बंदे के अंदर से धुआं निकलने लगा। वैसे शल्य को तो उसके कर्मों का सॉलिड फल मिल गया, जिस युधिष्ठिर के कहने पे उसने कर्ण के साथ ये सब किया अंत में उन्हीं युधिष्ठिर के हाथों मारा भी गया। तो ये था कर्ण पे लगे हुए एक और एलिगेशन का खंडन जो उसने कर्ण की लैंग्वेज पर लगाया था, जिसको ये बंदा अपनी वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा था, पर ये भूल गया था कि चिल्लाने से बातें सच नहीं हो जाती। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये आशीष भारतवंशी कर्ण पर फिर से आक्षेप लगाते हुए कहता है कि भीम को जहर देने में कर्ण भी शामिल था, वो इवन लाक्षाग्रह में भी शामिल था। अच्छा तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो देखो यार, क्रिटिकल एडिशन में तो इस इंसिडेंट से क्लियरली कर्ण का नाम रिमूव कर दिया है कि वो भीम को जहर देने में शामिल था। ये लोग बस एक सेंटेंस दिखा के उछलते हैं जहां ये लिखा है कि दुर्योधन कर्ण और शकुनी तीनों ही पांडवों को मारने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने लगे। बस यही एक सेंटेंस में कर्ण का नाम दिखाकर ये लोग उछलते रहते हैं, जिसके ना तो पहले ना ही बाद में कर्ण का इस कृत्य में कोई मेंशन है। तो सिर्फ इस एक सेंटेंस में उसका नाम लिख देने से ये कैसे प्रूव हो गया कि वो इसमें इन्वॉल्व था, जबकि उस स्पेसिफिक पॉइंट पे कर्ण का कोई मेंशन नहीं है कि वो वहां पर था। और अगर आप वो पूरा इंसिडेंट पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि भीम को जहर देने से लेकर उसे बांधकर नदी में फेंकने तक ये सारा काम कौरवों के द्वारा अंजाम दिया गया था। एक सिंगल जगह भी कर्ण का नाम नहीं है, और जब क्रिटिकल एडिशन ने इस बात पे मुहर लगा दी है तो बाकियों से क्या ही लेना देना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये घटना पांडवों और कौरवों के द्रोणाचार्य के गुरुकुल जाने से पहले की है, जबकि कर्ण और दुर्योधन की पहली मुलाकात द्रोणाचार्य के गुरुकुल में हुई थी। उससे पहले ये दोनों मिले भी नहीं थे और ना ही एक दूसरे को जानते थे, और जब ये दोनों पहले एक दूसरे से मिले ही नहीं थे, जानते भी नहीं थे, तो फिर क्या कर्ण का भूत वहाँ पर आया था? मतलब वो सेंटेंस ही इंटरपोलेटेड है।
और हाँ, दुर्योधन ने उसको जहर दिया तो दिया, वो तो सरासर गलत था ही, पर भीम भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था। अरे कहना क्या चाहते हो? वो कौरवों को अपने बल के मद में चूर होकर बुरी तरह मारता पीटता था, बहुत बुरी तरह, इतनी बुरी तरह कि उसको उसका बचपना भी नहीं कह सकते। हालांकि फिर भी दुर्योधन ने जो वहाँ पर किया वो बहुत गलत था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर हमें उसकी बात ही नहीं करनी। हमें यहाँ पर जो प्रूव करना था वो हम कर चुके कि कर्ण कभी इस तुच्छी साजिश में शामिल था ही नहीं। इसके अलावा ये लोग लाक्षाग्रह के पॉइंट पर भी कर्ण पर अपनी ही जैसी दो कौड़ी का इल्जाम लगाते हैं, पर इस चीज को भी बोरी क्रिटिकल एडिशन ने लात मारकर निकाल दिया। और ये लोग एक केवल समरी को दिखाकर रोते रहते हैं कि लाक्षाग्रह इंसिडेंट में कर्ण का भी हाथ था, क्योंकि वहां पर दुर्योधन को कर्ण दुशासन और शकुनी से सलाह लेने वाला बताया गया है, बट वो भी सिर्फ इसी एक लाइन में, क्योंकि मेन इंसिडेंट में कहीं भी कर्ण का मेंशन नहीं है। वहां भी सारा काम उन कौरवों का किया हुआ था, यानी कि इसमें भी कर्ण का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और यहाँ भी वो एक लाइन इंटरपोलेशन प्रूव होती है, या यू कहो तो सिर्फ कर्ण का नाम ही वहाँ पर इंटरपोलेशन प्रूव होता है, क्योंकि बाकी तो मेन इंसिडेंट में मेंशन है ही। और हाँ, इस चीज को प्रूव करने के लिए कुछ लोग श्री कृष्ण का ये स्टेटमेंट भी दिखाते हैं, जहाँ वो अर्जुन को प्रोवोक करते हुए कहते हैं कि चाहे तुम्हें और तुम्हारी माँ को जिंदा जलाने की साजिश हो या फिर दूध सभा में दुर्व्यवहार, कर्ण ही इन सब की जड़ है, जिसको दिखाकर ये लोग और उछलने लगते हैं। तो जरा रुको यार, वहाँ पर श्री कृष्ण ने कहीं नहीं कहा कि कर्ण उसमें इन्वॉल्व्ड है, मगर हाँ, उन्होंने नेक्स्ट लाइन में दुर्योधन का नाम जरूर मेंशन किया है, जिसका असली मतलब इसके संस्कृत श्लोक में है। वहाँ श्री कृष्ण ने ये बातें दुर्योधन के लिए कही थी, ना कि कर्ण के लिए। दुर्योधन ने ही सारी साजिशें की थी, हालांकि उन्होंने इसकी जड़ कर्ण को ही बताया। अब इससे पहले कि ये चमन लोग इस पे खुश हो जाएं, मैं इसका नेक्स्ट लाइन भी दिखा देता हूँ। उन्होंने कर्ण को जड़ इसीलिए कहा क्योंकि दुर्योधन सारी चीजें कर्ण के दम पर ही करता था, यानी अगर उसके प्लान में कभी कोई गड़बड़ हुई तो कर्ण उसे बचा लेगा, इसलिए वो कर्ण को इसकी जड़ बता रहे थे, क्योंकि दुर्योधन के अधर्म का आधार कर्ण का सामर्थ्य था, और इसीलिए उसको अधर्म के पेड़ का तना भी कहा गया था, क्योंकि वही था जिसके ऊपर दुर्योधन नामक अधर्म का पेड़ खड़ा था, जो कि मैंने अपनी इस वीडियो में पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो इससे ये प्रूव होता है कि कर्ण कभी दुर्योधन की साजिश में इन्वॉल्व था ही नहीं। हाँ, कृष्ण ने उसे दुर्योधन के अधर्म का जड़ जरूर कहा, पर इससे वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाता। अब वो इतना शक्तिशाली था ही, तो इसमें उसकी क्या गलती है? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। एंड वन मोर थिंग, लास्ट मोमेंट पर भी श्री कृष्ण ने केवल दूध सभा की बातों से ही कर्ण को दोषी माना, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि कर्ण वहाँ शांत खड़ा था जब द्रौपदी को घसीट कर लाया जा रहा था, आप खुद पढ़ सकते हो। तो दूध सभा के अलावे भगवान ने उसे कभी किसी चीज के लिए दोषी माना ही नहीं, और माने भी क्यों? जब वो इन्वॉल्व था ही नहीं तो उसे मानेंगे क्यों? उसने इवन खुद कहा था कि वो पांडवों को युद्ध में जीतना पसंद करेगा छल से नहीं। वो इवन दुर्योधन को गलत रास्ते पर जाने से रोकता भी है, जिसके लिए धृतराष्ट्र ने उसकी तारीफ भी की थी। पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसके जैसे लोग कभी सच्चाई नहीं बताएंगे, वरना इनका धंधा बंद नहीं हो जाएगा क्या? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर, तो कर्ण इन सब में कभी इन्वॉल्व था ही नहीं, ये तो ठीक है, पर दुर्योधन ने भी ऐसी हरकतें करके बहुत बड़ा अधर्म किया था। पर वो तो दुर्योधन था, उससे और क्या ही उम्मीद रखे हम। पर ये सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदारों का क्या, जिन्होंने 6 मासूम निषादों को जिंदा जलाकर मार डाला जस्ट बिकॉज कि उनको कौरवों को दिखाने के लिए 6 लोगों की लाशें चाहिए थी। एंड जिस रात उनको भागना था, उसी रात बाकी लोगों के साथ एक निषाद स्त्री अपने 5 बेटों के साथ पांडवों के यहाँ भोजन प्राप्त करने आई थी, और इन लोगों ने उसे उसके बेटों के साथ जिंदा जलाकर मार डाला। अरे क्या दोष था उन बिचारों का? तो ये है इन पांडवों के धर्म का काला सच, जो आपको कोई टीवी सीरियल या फिर इसके जैसा छपरी यूट्यूबर नहीं बताएगा। तो कर्ण दुर्योधन के अधर्म में कभी भी इन्वॉल्व नहीं था, ये बात तो प्रूव हो चुकी है, और पांडवों का ये काला सच भी सामने आ गया। जानता हूँ इसके जैसे लोगों को तो मिर्ची लगी होगी भाई, तो डॉक्टर को दिखा लेना, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब इस दोगली पर्सनालिटी वाले बंदे की इतनी बुरी हालत हो गई है कि अब ये कर्ण को दानवीर मानने से भी कतरा रहा है, कहता है कि वो दानवीर ही नहीं है। मतलब कि कर्ण की सुपीरियोरिटी से इसको जो बवासीर हुई है ना, उसकी फ्रस्ट्रेशन ये यूट्यूब पे निकाल रहा है अपना भिंडी रोना रोकर। सही है भाई,
मतलब जिस कर्ण को ये कहता है कि दानवीर नहीं है, उसकी गिनती इतिहास के सबसे बड़े दानवीरों में होती है। यहाँ तक कि आचार्य चाणक्य भी उसकी दानवीरता का लोहा मानते थे। खैर, इस बंदे के लिए तो आचार्य चाणक्य भी झूठे होंगे, तो उन्हें हटा देते हैं। तो जिस भीष्म के नाम का सहारा ये अनपढ़ ले रहा था, उन्हीं भीष्म ने शरशैया पर होते हुए कर्ण से कहा था कि पराक्रम, ब्रह्मनिष्ठा और दानवीरता में कर्ण का कोई मुकाबला नहीं है। यानी उस समय कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं था, और पराक्रम में तो कोई उसके आसपास भी नहीं था। अर्जुन जैसे बच्चे तो उसके जूते की नोक पे रहते थे, और ये वही भीष्म थे जिन्होंने कभी कर्ण से अच्छा बिहेव नहीं किया और उसे अर्धरथी भी कहा था। वो बात अलग है कि उन्होंने ये सब सिर्फ कर्ण के तेज को कम करने के लिए कहा था, ताकि कर्ण से पांडवों को बचा सके। लेकिन ये बात तो भीष्म ही अपने मन में जानते थे ना भाई। कर्ण को तो वो हमेशा सामने से हेठ ही देते थे, लेकिन इसके बावजूद वो कर्ण की ही उदारता थी कि भीष्म की हालत का समाचार मिलते ही वो दुखी हो गया। जिन भीष्म ने कर्ण से कभी प्यार से बात नहीं की, उनकी ऐसी हालत देखकर कर्ण शोकाकुल होकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर ऐसे ही थोड़ी उसे महाभारत का सबसे महान पात्र कहते हैं। वेल, तो भीष्म के अकॉर्डिंग कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं था। इवन मौजूदा महाभारत के नरेटर वैशंपायन जी ने भी कहा था कि कर्ण हर रोज सूर्य देव की पूजा करता है, और तब तक करता है जब तक उनकी किरणों से उसकी पीठ नहीं जल जाती, और इस दौरान अगर कोई भी ब्राह्मण उससे कुछ भी मांगता था तो वो उसे दे देता था, लिटरली कुछ भी। यानी वैशंपायन जी के अनुसार भी कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं था। इवन संजय के अनुसार तो कर्ण ने अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया था, और ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो ब्राह्मणों को ना दे। इवन वो अपना जीवन भी उन्हें दे सकता है। इससे कर्ण की दानवीरता के साथ साथ ब्राह्मणों के प्रति उसके समर्पण का भी पता चलता है। युधिष्ठिर भी उसकी दानवीरता से परिचित थे, और सूर्य देव ने भी यही कहा था कि जो भी तुमसे यानी कि कर्ण से कुछ भी मांगता है, कर्ण उसे कभी मना नहीं करता और उसे खुशी खुशी दे देता है। और ये बात तो जग जाहिर है। यानी महाभारत के हर कैरेक्टर के अनुसार दानवीरता में कर्ण का कोई मुकाबला नहीं, पर ये लोग इतनी सी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। ये बंदा तो कहता है कि कर्ण दान भी करता था तो अपने किए हुए कांडों को ओवरशैडो करने के लिए। अरे चमन, तेरे बनाए हुए कांड उसकी अच्छाई से पहले ही ओवरशैडो हो गए थे। और इस बंदे ने पूछा था कि कर्ण ने ऐसा क्या दान कर दिया कि उसे इतना बड़ा दानवीर कहते हैं, तो इसका जवाब संजय के इस स्टेटमेंट में है। उसने अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया था, लिटरली सब कुछ। और एक बात सुनो, कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था ये जानकर ही देवराज इंद्र कर्ण से कवच कुंडल की भीख मांगने आए थे। मतलब आप खुद ही सोचो ना, देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से कवच कुंडल मांगने आए। उनको इस चीज का विश्वास कैसे था कि वो कवच कुंडल दे ही देगा, मना नहीं करेगा। ऊपर से गए भी उसी टाइम थे जब कर्ण पूजा अर्चना करके निकल रहा था। यानी कि उन्हें पता था कि कर्ण दानवीर है, इसीलिए अगर वो वेश बदल कर जाएंगे तो कर्ण उन्हें मना नहीं करेगा। यानी कर्ण की दानवीरता के किस्से सिर्फ देश विदेश में ही नहीं बल्कि देवलोक में भी फेमस थे। इतना बड़ा दानवीर था कर्ण। तो ये तो प्रूव हो गया कि कर्ण इतिहास के सबसे बड़े दानवीरों में से एक था। अब ये बंदा एक और चीज बहुत बोल रहा था कि कर्ण ने तो कवच कुंडल का व्यापार किया था, क्योंकि उसने वास्तविक शक्ति पहले ही मांग ली थी, इसलिए कर्ण तो भैया डील वीर था, दानवीर नहीं। तो इस पॉइंट पे हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे कि सूर्य देव का ऑर्डर था, ये था, वो था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि उसकी बात हम किसी और वीडियो में डिटेल में करेंगे। फिलहाल हम इस बात को एक बार में ही खत्म करते हैं। तो अगर इस बंदे ने कभी भगवत गीता पढ़ ली होती ना, तो आज ऐसी बातें करता ही नहीं, क्योंकि उसी में ये लिखा हुआ है कि दान तीन तरह के होते हैं, सतत्व, रजस और तमस। अगर कोई बदले में बिना कुछ चाहे दान देता है तो उसे सतत्व दान कहते हैं, वहीं अगर बदले में कुछ चाह कर कोई दान दिया जाता है तो उसे रजस दान कहते हैं। और कर्ण ने कवच कुंडल का दान बदले में वासवी को मांग कर दी थी, यानी कि उसने जो किया वो रजस दान था, जिसका मतलब ये है कि वो डील नहीं बल्कि दान ही था। और दान दान होता है, फिर चाहे वो सतत्व हो, रजस हो या फिर तमस हो, उससे यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। तो लो भाई, अब ये भी प्रूव हो गया कि कर्ण ने कवच कुंडल को दान किया था और इंद्र ने भीख मांगी थी, एंड उन्हें मांगना पड़ा क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको अपने उस भगोड़े बेटे अर्जुन पर इतना भी विश्वास नहीं था कि वो कभी कर्ण के सामने खड़ा भी हो पाएगा या नहीं। अरे भाई, उस पर तो उसके भाई को भी भरोसा नहीं था, ना ही उसकी माँ को भरोसा था, और ना ही उसके मार्गदर्शक को उस पर विश्वास था। इतना बड़ा लीचर समझा जाता था उसको। नहीं। और वैसे भी इसकी बात हम पहले भी अपनी इन वीडियोस में कर चुके हैं, और हो सकता है कि अब ये नारियल का पेड़ बोले कि कर्ण तो यानी हमेशा रजस दान ही करता था। हाँ भाई, कोई भरोसा नहीं है इस बंदे का, ये कुछ भी बोल सकता है अपनी फ्रस्ट्रेशन में आकर, क्योंकि इसकी कुर्सी के नीचे आग लगी पड़ी है।
तो इससे पहले कि ये ऐसा कुछ भी बके, मैं इससे ये सूर्यदेव का स्टेटमेंट दोबारा दिखा देना चाहता हूँ कि कर्ण से अगर कोई कुछ भी मांगता था तो कर्ण उसे बिना बदले में कुछ इच्छा किए, बिना कुछ आशा किए खुशी खुशी दे देता था, जिससे ये भी साबित होता है कि कर्ण हमेशा सतत्व दान करता था। बस उस दिन सूर्यदेव के ऑर्डर पर सतत्व दान के बदले रजस दान किया उसने। बट क्या फर्क पड़ता है, था तो दान ही, यानी इसका ये पॉइंट भी काउंटर हुआ। इसके अलावा ये एक और चीज बहुत बोलता है कि कर्ण जो दान करता था वो सब कौरवों का था, क्योंकि अंग देश तो दुर्योधन ने ही दिया था ना। अच्छा, तो इसके लिए मैं बता दूं कि दुर्योधन के अंग देश के बदले कर्ण ने पूरी पृथ्वी को जीतकर दुर्योधन के कदमों में दान कर दिया, यानी जितना कर्ण को करना था कर्ण ने उससे कहीं ज्यादा कर दिया। और जरासंध ने भी कर्ण से हार कर खुशी खुशी मालिनी नामक शहर कर्ण को दिया था, यानी देखा जाए तो इन सब पे कर्ण का अधिकार था तो उसने दान किया। तो इन सब बातों से ये क्लियर है कि कर्ण एक बहुत बड़ा दानवीर था और उसकी तुलना महाभारत में किसी से नहीं हो सकती। हाँ, दानवीरता में अर्जुन कर्ण को टक्कर दे सकता है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। आखिर श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों को साधारण लुटेरे को दान देना कोई छोटी बात थोड़ी है। यह चीज तो कर्ण भी नहीं कर सकता कभी। ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसके बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने ऑलरेडी एक्सपोज कर रखे हैं। इवन इस पॉइंट को भी मैंने इस वीडियो में बताया था, पर यहाँ पर मैंने इसको इसीलिए लिया है क्योंकि ये पॉइंट दिखाता है कि इस बंदे ने ना तो कभी महाभारत पढ़ी है ना ही इसके पास दिमाग नाम की चीज है। ये अपनी मासूम ऑडियंस को कितनी सफाई से मैनिपुलेट करता है आप देखते रहो। तो इस बंदे ने परशुराम जी का एक स्टेटमेंट दिखाया जहाँ पर वो कर्ण को श्राप दे रहे थे। वहाँ वो दरअसल श्राप देते हुए एग्जैक्टली कहते हैं, जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा और तुम्हारा सामना तुम्हारे ही समान किसी योद्धा से हो रहा होगा तब तुम मेरी सिखाई हुई विद्या भूल जाओगे। जी हाँ, कर्ण के ही लेवल से अगर उसका सामना होगा तब। इसके बाद ये बड़ी ही सफाई से अपना ब्रेन वॉशिंग का काम चालू करता है। तब ये अंतिम युद्ध का रेफरेंस दिखाता है जहाँ कर्ण पर परशुराम के श्राप का असर होने लगता है और वो दिव्यास्त्र भूलने लगता है, साथ ही उसके रथ का पहिया भी धस जाता है। लेकिन उस श्राप के बावजूद उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसके रिगार्डिंग ये नारियल का पेड़ कहता है कि देखो देखो कर्ण ब्रह्मास्त्र नहीं भूला, यानी उस समय वो अपने समान योद्धा से नहीं लड़ रहा था। मतलब ये कि अर्जुन उससे ऊपर का योद्धा था। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मतलब देख रहा है ना विनोद, कैसे टीचर होके भी गवारों की तरफ बातें की जा रही हैं। वेल, तो चलिए अब इस नारियल के पेड़ के बचे खुचे नारियल भी तोड़ लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि पहिया धसने का श्राप परशुराम ने नहीं बल्कि अग्निहोत्री ब्राह्मण ने दिया था। दूसरी बात, कर्ण का ब्रह्मास्त्र ना भूलना अर्जुन को सुपीरियर प्रूव नहीं करता बल्कि ये कर्ण की सुपीरियोरिटी दिखाता है। अरे कहना क्या चाहते हो, कर्ण ने श्राप का असर होते हुए भी उस श्राप को अपनी मेंटल पावर से हरा कर ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। और मैं पूछता हूँ कि इतिहास में ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने कभी किसी श्राप को हराया हो, याद आए तो बता दो मुझे कोई। चलो तुम लोग टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ, कोई नहीं है भाई ऐसा। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कर्ण ही इकलौता ऐसा योद्धा था जिसने कभी किसी श्राप को हराया था, क्योंकि उसकी मेंटल पावर काफी ज्यादा मजबूत थी। वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिना किसी श्राप के पाशुपतास्त्र भूल जाते हैं, भगवत गीता का ज्ञान भूल जाते हैं और लास्ट में अपनी सारी विद्या भी भूल जाते हैं। लेवल है भाई, लेवल है सबका। क्यों, लेवल की बात की थी ना तूने, ये तेरे अर्जुन का लेवल। इसने जो स्टेटमेंट दिखाकर कहा था ना कि अपने समान किसी योद्धा से भिड़ेगा तो सारे वेपन्स भूल जाएगा, और फिर अर्जुन के सामने ना भूलने पर उसको कर्ण से ऊपर बताया। अगर इसने वो स्टेटमेंट में दिमाग लगा लिया होता तो ऐसे भिंडी रोना नहीं रो रहा होता ये। अरे गधे, जरा सा कॉमन सेंस ही लगा लेता ना। अगर कोई स्टूडेंट को उसका टीचर कहे कि तुम्हारे बराबर कोई स्टूडेंट नहीं है क्लास में, तो क्या इसका मतलब उससे भी कोई बेस्ट है क्या? अरे उसका मतलब होता है कि उससे कोई बेस्ट ही नहीं है क्लास में। सेम इसी तरह वहाँ परशुराम जी के कहने का मतलब था कि जब वो अपने से कमजोर योद्धा से लड़ रहा होगा तब तक तो उसे दिव्यास्त्र याद रहेंगे, लेकिन अपने समान योद्धा से सामना होने पर, या अपने समान योद्धा से मतलब है कि उसके बराबर या फिर उसके ऊपर के योद्धा से, जिसके सामने आने पर कर्ण को वो दिव्यास्त्र भूल जाने चाहिए थे। लेकिन कर्ण नहीं भूला क्योंकि अर्जुन ना तो उसके ऊपर के लेवल का वॉरियर था ना ही उसके बराबर का। कर्ण का अर्जुन के सामने ब्रह्मास्त्र ना भूलना अर्जुन को कर्ण से नीचे का वॉरियर प्रूव करता है। तो
तो ले भाई, नंगा कर दिया तुझे तेरे ही रेफरेंस से, अब जा उठा ले मेरी लैंग्वेज पर उंगली। वेल, तो ये तो हो गई लॉजिक और ह्यूमर की बात जो कि इस बंदे में नहीं है। अब हम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। तो हमारे इस नारियल के पेड़ ने अपनी ऊंचाई से मजबूर होकर शायद ऊपर ऊपर के ही रेफरेंसेस देख लिए। शायद इसको झुकने में थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, इसीलिए इसने मतलब नीचे के रेफरेंसेस नहीं देखे, या फिर शायद इसकी औकात नहीं थी नीचे के रेफरेंसेस दिखाने की। चलो मैं दिखा देता हूँ मैं किस लिए हूँ। तो जहाँ पर इसने वो श्राप वाला रेफरेंस दिखाया, अगर ये उसके जस्ट नीचे वाला रेफरेंस भी दिखा देता ना, तब इसका सारा भांडा वहीं फूट जाता। शायद इसी डर से इसने वो नहीं दिखाया, पर हम तो दिखाएंगे। तो जहाँ पर परशुराम जी कर्ण को श्राप दे रहे थे, उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में ही उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को एक आशीर्वाद भी दिया था कि युद्ध भूमि में कोई भी क्षत्रिय कर्ण के समान पराक्रमी नहीं होगा। यानी पहले श्राप में उसके अंतिम समय में उसी के समान योद्धा के सामना होने पर उसके दिव्यास्त्र भूलना, फिर बाद में पराक्रम में उसके समान कोई भी क्षत्रिय योद्धा ना होने का आशीर्वाद देना। इन दोनों बातों को अगर ध्यान में रखते हुए अंतिम युद्ध की तरफ चलो, तो अंतिम युद्ध में जब कर्ण की मृत्यु का समय आया, तब उस पे श्राप का असर होना शुरू हो गया और उसके रथ का पहिया भी जमीन में धस गया। पर फिर भी कर्ण उसे नहीं भूला, क्योंकि उस समय उसका सामना अर्जुन से हो रहा था जो कि एक क्षत्रिय था, और परशुराम जी के आशीर्वाद के कारण कोई भी क्षत्रिय पराक्रम में कर्ण के समान नहीं था, यानी अर्जुन कर्ण के पैर की जूती के बराबर था। सो उस श्राप की कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई और कर्ण पे उस श्राप का आधा असर ही हुआ। और कर्ण जैसे सुप्रीम योद्धा पर अगर किसी श्राप का आधा असर होगा तो वो काम कैसे करेगा यार। तो यही है कर्ण के श्राप को हराने के पीछे का राज। और लास्ट में जब श्री कृष्ण ने कर्ण को छल से मरवा दिया, तब उसके बाद भी वो बताते हैं कि अगर हम अपनी पूरी शक्ति भी लगा देते तो भी पांडवों की इतनी औकात नहीं थी कि कर्ण को हरा दें, इसीलिए छल करना जरूरी हो गया था, वरना पांडवों को कोई नहीं बचा सकता था। तो मतलब ये है कि कर्ण कभी अपने बराबर के योद्धा से अपनी लाइफ में भिड़ा ही नहीं, जितनों से लड़ा सारे के सारे उसके आगे इन्फीरियर थे। और ये बंदा एक और बात पे बहुत रो रहा था कि भगोड़े अभिमन्यु को 6 महारथियों ने घेर कर मारा। अच्छा, ये वही अभिमन्यु था ना जो खुद दूसरों पर 20-20 महारथियों की टोली बनाकर हमला करता था, लेकिन फिर भी पिट कर भागता था। इसको भीष्म, द्रोण और भगदत्त जैसे योद्धाओं ने इतना पीटा था कि क्या ही उसका कोई हिसाब नहीं है भाई। इवन चक्रव्यूह वाले दिन भी सुबह सुबह इसने द्रोणाचार्य पर 24 महारथियों के साथ हमला कर दिया था, लेकिन द्रोणाचार्य ने इसको जो ठोका, जो इसे पीटा भाई, उसका कोई जवाब ही नहीं है। ये बस एक हाफ डे वॉरियर था जो कि चक्रव्यूह में वरदान के कारण टिक पाया था, वहाँ भी इसकी धुलाई हो ही गई लास्ट में जाते जाते। मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मतलब खुद करे तो बड़ा अच्छा और जब कोई दूसरा करे तो फट जाए कच्चा। वाह रे दोगले लोग वाह। अभिमन्यु की पोल पट्टी हमने इस वीडियो में खोली हुई है, हिम्मत बची हो तो देख लेना। बाकी द्रौपदी वस्त्र हरण से लेकर कर्ण का दुर्योधन के अधर्म में सहभागी होना, सब कुछ मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है कि क्या थी इन सब की रियलिटी। एंड कर्ण एक योद्धा की मौत मरा, वो भी छल से, जबकि अर्जुन एक कुत्ते की मौत मरा पहाड़ से गिर के। ये अंतर है दोनों में, ये है लेवल। और मिस्टर नारियल के पेड़, तू आईडी बैन करवाने की बात कर रहा था ना, तो जाके करवा दे, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे। और अच्छा हुआ जो तूने किसी से डिबेट नहीं की, वरना कहीं तुझे 100-200 फॉलोअर वाला बंदा पेल के चला जाता तो तेरी मार्केट में क्या इज्जत रह जाती। और हाँ, हमें वीडियो बनाने में टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि हम रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं एक्सप्लेन करते हुए। तेरी तरह बस खड़े होकर बिना रिसर्च किए बकर बकर नहीं करते रहते हैं। और मुझे इस बात का अफसोस है कि तुझे जो गालियां पड़ी है उसकी फ्रस्ट्रेशन तुझे अपनी वीडियो में निकालनी पड़ रही है। बस ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होकर अपनी जलाते रहे, हम बर्नौल का स्टॉक दोबारा भर रहे हैं। तो बस यार, बहुत एक्सपोज कर दिया इसको, बेचारा आधा तो पहले ही एक्सपोज था, बचा हुआ हमने कर दिया, तो अब फिर कभी। अभी फिलहाल इसको आराम करने देते हैं। और इसके बाकी के क्लेम्स मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में पहले ही एक्सपोज कर रखे थे, महीनों पहले। भीम, सात्यकी, अभिमन्यु, अर्जुन, सब के सब। तो अगर जलन थोड़ी कम हो जाए बर्नौल लगाने के बाद तो जाकर देख भी लेना। तो बस यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः पार्वती पताये, शिव शिव।